सब्सक्राइब कीजिए वाओ गार्डनिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो दोस्तों, मैं अविनाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपने गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपराजिता प्लांट्स केयर के बारे में। वैसे तो इसके दोस्तों काफ़ी सारे नाम हैं, आप चाहे इसे अपराजिता की कहिए या फिर बटर पी कहिए या फिर आप इसे शंख पुष्पी कहिए, तो इसके तीनों ही नाम हैं जो आपको ईजिली मिल जाते हैं। आप अगर नर्सरी में इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको ईजिली इस नाम से मिल जाते हैं। आप तीनों में से कोई भी नाम से अगर आप इसे बोलोगे तो आपको ये मिल जाएगा। वैसे आपको ये कॉमनली सभी के घर पर ज़्यादातर मिल जाता है, जो थोड़ा बहुत ही गार्डनिंग करना पसंद करता है उसके घर पर आपको ईजिली देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्लांट आता है दोस्तों, बेसिकली इसमें दो कलर्स ज़्यादा कॉमन है। इसमें देखिए, आपको पहले तो ये दिख पा रहा होगा, ये वाइट कलर है, आप देख पा रहे होंगे मेरे पास दोनों कलर लगे हुए हैं। तो ये वाइट कलर दोस्तों और ये ब्लू कलर है, तो ये भी बहुत ही अच्छा कलर है। तो इसमें सिर्फ दो कलर ही आते हैं दोस्तों, तो ये दोनों ही देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। मेरे पास दोनों ही ये कलर लगे हुए हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों इस प्लांट की ना मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है मार्केट पे। इसमें तरह तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, खासकर कि आयुर्वेदिक में आप देखते हैं इसकी काफ़ी सारी अलग अलग दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो इसका बहुत ही अलग अलग तरीके की मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है। और दोस्तों ये जो है ना होते हैं, ये प्लांट एक तरह की एक बेल है, यानी कि एक वाइन है। जब ये बढ़ती है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। जब ऊपर ये बढ़ती जाती है, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसी दिखती है बढ़ने के टाइम पे। अभी क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा प्रून किया है, तो उसके बाद ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ती जा रही है। तो ये एक तरह की वाइन है। अगर आप इसे किसी भी जगह पे ऐसे लटकाना चाहते हैं या फिर किसी भी एक जगह को कवर करना चाहते हैं किसी भी वाइन के थ्रू, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकती है। आप उधर इसे लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल जैसा आप ये देख पा रहे होंगे ना, पतली पतली सी इसकी जो स्टेम आपको दिख रही है, कि यहाँ से जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये पतली पतली सी जो स्टेम इसकी जा रही है, बस यही ऐसे ऊपर चढ़ती जाती है। आप किसी भी रस्सी या किसी की भी चीज़ के सहारे आप इसे ऐसे लगाते जाएंगे, ऊपर लपेटते जाएंगे, तो ये अच्छी तरीके से ग्रोथ करता जाएगा। अब देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं कैसे दिखते हैं, इसके पेटल्स कैसे होते हैं। तो देखिए, जैसे मोर पंख होता है ना, बिल्कुल ये वैसे ही दिख रहा है। कलर भी हल्का हल्का इसका बिल्कुल वैसा ही दिखता है। तो बहुत ही प्यारा ये एक फ्लावर है, आपके अगर गार्डन पे आप लगाना चाहते हो तो बहुत ही प्यारा एक लुक देता है, एक पंख के टाइप का ये दिखता है। इसमें दोनों कलर हैं। और देखिए, जब ये ग्रोथ करता है ना दोस्तों, देखिए यहाँ से इसकी जो छोटी बर्ड्स आती है, देखिए आप यहाँ पास इसे देख पा रहे होंगे, यहाँ पास ये जो छोटा सा आप देख पा रहे हो ना, ये चीज़ यहाँ से इसके जो फ्लावर्स बनते हैं, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ और भी जहाँ में फ्लावर्स बन रहे हैं, चीज़ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास ये जो छोटी छोटी सी बर्ड्स बन रही हैं। बस अभी ये यही फ्लावर्स आप कल, ये जो अभी बर्ड्स आप देख पा रहे हो, ये कल फ्लावर बन जाएगा और ये कल परसों तक ग्रोथ करेगा। देखिए यहाँ पास भी एक छोटा सा आपको बर्ड दिख रहा होगा, बिल्कुल ऐसी इस तरह के फ्लावरिंग करता है। और अगर आप इसे छोटे से अगर अपने पॉट पर लगाए हो ना, 6 से 7 इंच के गमले पर, तो इसे बहुत ज़्यादा आप बढ़ने मत दो, क्योंकि फिर ये अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करता है। और ग्रोथ इसलिए नहीं करता क्योंकि फिर ये ज़्यादा अगर आप इसे ग्राउंड पर लगा रहे हो तब ये बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है, 5 से 6 फुट का। तो आप इसे वाइन अगर बनाते हो, अगर उसको ऐसे लपेट कर बढ़ाते जाते हो, तो ये बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है, क्योंकि इसे बहुत सारी स्पेस मिल जाती है ग्रोथ करने के लिए। पर पॉट में दोस्तों इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है, इसलिए आप हल्के फुल्के इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करता रहेगा और इस पर फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी आती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप इसे अपने पॉट पे ग्रो करते हो तो आप इसे क्या करो, तो टाइम टू टाइम ना आप थोड़ा सा प्रून करते रहो, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रून नहीं करना है, एकदम सॉफ्ट प्रून करते रहना है। उससे होगा क्या, थोड़ा सा ये घना दिखने लगेगा आपके पॉट के ऊपर, और इसमें क्या होता है कि फूल भी बहुत सारे आएंगे, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। दूसरी बात दोस्तों, जैसा कि आप ये फ्लावर्स देख पा रहे होंगे, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, तो ये फ्लावर्स में इस प्लांट में खास करके क्या प्रॉब्लम होती है दोस्तों, जब ये फ्लावर्स ना फूल देके इसका जो स्पेंड फ्लावर्स बचता है उसके बाद ये क्या करता है दोस्तों, कि ये सीड फॉर्मेशन करता है, मतलब सीड बनाने लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो प्लांट की पूरी पावर होती है ना, वो सारी सीड्स बनाने में लग जाती है। तो इस कंडीशन में दोस्तों, अगर आप इसके जो सीड है वो रिमूव नहीं करोगे, तो वो फिर क्या होता है कि पूरा जो प्लांट होता है सारी पावर सीड्स बनाने में लग जाता है और इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है या फिर आती ही नहीं है। देखिए, मैं कुछ दिनों के लिए ना ऐसा बाहर गया हुआ था, तो देखिए कितने ज्यादा तरीके से, अभी मैंने और नहीं लाए, काफी सारे इसमें जो फ्लावर्स खिल के और इसमें ये ऐसे सीड्स बनने लग गए थे। अब देखिए सीड्स भी कैसे खुलने लग गए हैं सूखने के बाद। तो आप बिल्कुल दोस्तों इतना, जब इसका स्पेंड फ्लावर है, या तो फिर आप इसे खिलने के टाइम ही तोड़ लीजिए, या फिर आप अगर नहीं तोड़ना चाहते हैं तो जब भी इसका जो फ्लावर्स होता है वो स्पेंड हो जाने के बाद आप इसे उधर से रिमूव कर लीजिए इसके, नहीं तो फिर सीड्स बनेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इस प्लांट्स में। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है।
दोस्तों, तो अब मैं बात कर लेता हूँ फर्टिलाइजेशन की, कि आपको इसमें फर्टिलाइजर कैसे देना है। तो दोस्तों, आप इसमें सबसे ज़्यादा ना क्या कीजिए कि कंपोस्ट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कीजिए। इसमें कंपोस्ट ज़्यादा डालिए, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर वगैरह यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा होता है। फिर चाहे आप उसके लिए काउडंग कंपोस्ट यूज़ कीजिए या फिर वर्मी कंपोस्ट यूज़ कीजिए, बस आपको इसे 15 से 20 दिन में अपने प्लांट्स पर देते रहना है। जैसे कि आप जब भी कोई प्लांट्स लगाते हो ना, उसमें सॉइल तैयार करते हो, तो उसमें ही कंपोस्ट आप ऐड करके दे सकते हो, और उसके बाद भी आप ना इसमें कंपोस्ट देते रहोगे बीच बीच में, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है प्लांट्स। और उसके बाद दोस्तों, आपको ना इसको कंपोस्ट के साथ साथ लिक्विड फर्टिलाइज़र भी प्रोवाइड करानी है। अब जैसे आप सारे प्लांट्स पे अपने 15 से 20 दिन के अंदर आप देते हो सारे फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में, तो उस टाइम आपको अपने इस प्लांट में भी लिक्विड फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना है, वो भी बैलेंस फर्टिलाइज़र, बहुत अच्छा रहता है इस प्लांट के लिए। तो उसके लिए दोस्तों, आप लिक्विडली आप एनपीके भी डाल सकते हो, या फिर अगर आप सीवेड्स डालते हो तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है प्लांट्स के लिए। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह उसमें मिल जाते हैं, और एनपीके में भी उसमें काफ़ी सारे पोटास वगैरह मिल जाते हैं, उसमें नाइट्रोजन मिल जाता है, फॉस्फोरस मिल जाता है। तो ओवरऑल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये सारे सोर्सेज, तो आप उसे डाल सकते हो। और दोस्तों, आप साथ ही साथ इसमें जब पॉटिंग करते हो अपने प्लांट्स की, जब नया प्लांट्स लगाते हो, तो उस टाइम इसमें थोड़ा सा ना बोन मील भी मिला सकते हो, तो इस प्लांट के लिए वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इस प्लांट की, आपको सॉइल कैसे रखनी है। तो दोस्तों, आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि इस प्लांट में दोस्तों वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। इस प्लांट को ना, खास करके इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल बहुत पसंद होती है। क्या होता है कि इसकी जो रूट्स वगैरह होती है ना, काफ़ी पतली होती हैं, और इसे जब इसकी ग्रोथ होती है तो रूट्स फैलने में बहुत ज़्यादा ईजी इसे पड़ता है। तो आप उस टाइम ना इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने प्लांट्स को रिपॉट कर रहे हो या नया लगा रहे हो, तो उस टाइम आपको ना इसमें थोड़ा सा एक पार्ट अपना गार्डन सॉइल, एक पार्ट आप इसमें सैंड, और थोड़ा सा आपको इसमें कंपोस्ट भी यूज़ कर लेना है। और उस टाइम आपको ना इस बात का ध्यान रखना कि थोड़ा सा आपकी जो सॉइल है उस टाइम बहुत पोरस होनी चाहिए, यानी कि आप पानी डालो तो ओवर वाटरिंग है ना, खड़ा नहीं होना चाहिए, ड्रेन आउट हो जाए। इस टाइप की जो इसकी सॉइल होती है, उस टाइम बहुत अच्छा तरीके से ये प्लांट ग्रोथ करता है। तो उस तरह में दोस्तों क्या होता है कि ओवरऑल जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी रहती है, और प्लांट बहुत हेल्दी बना रहता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं वाटरिंग की। तो अब जैसा कि आप टाइम जान रहे होंगे कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है, गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम जो सारे प्लांट्स में रिक्वायरमेंट वाटर की ज़्यादा हो जाती है, तो आपको अपने प्लांट्स में ना इसमें दोनों टाइम पानी देना है। और जब भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों टाइम पानी देने के बाद भी अगर आपको इसकी जो सॉइल है थोड़ा सा ड्राई लगती है, तो आपको उस कंडीशन में ना इसको आपको थोड़ा सा और पानी दे देना है। मतलब कहने का ये कि इस प्लांट को दोस्तों ना कि थोड़ा सा मॉइस्ट जो होती है सॉइल, वो काफ़ी पसंद होती है, तो हर वक्त इसकी जो सॉइल होती है उसको थोड़ा सा मॉइस्ट बनाएंगे। मॉइस्चर अगर मेंटेन रहेगी, उस तरह की कंडीशन अगर आप इसे दे पाएंगे, तो बहुत ही अच्छा ये ग्रोथ करेगा। इसकी जो लीव्स वगैरह हैं, फ्लावर्स हैं, वो काफ़ी हेल्दी होंगे। तो आपको इसमें दोनों टाइम पानी देना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि पानी रुके ना, जो ओवर वाटरिंग वो ड्रेन आउट हो जाए, तो आपको ड्रेनेज होल भी अच्छा इसमें बना के रखना है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी लाइटिंग कंडीशन की, कि आपको इस प्लांट को किधर पे रखना है। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हर जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको सनलाइट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और वैसे ही इसी प्लांट को भी ऐसा ही है। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ना इसे 5 से 6 घंटे की अच्छी तेज़ धूप मिलनी चाहिए। अब जैसा कि अब इस टाइम जान रहे होगे कि बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है 12 बजे के बाद से जो तेज़ होती है धूप, उसमें थोड़ा सा प्लांट्स बर्निंग की प्रॉब्लम भी आने लगती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आप अगर ग्रीन नेट अगर आप लगा सकते हो, या फिर कोई छाया वाली जगह हो, आपको 5 से 6 घंटे की धूप लगने के बाद अगर इसे छाया मिल जाती है हल्की फुल्की, अगर ब्राइट लाइट आती है, तो उस जगह पर आप रख दो, या फिर आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रोपेगेशन की। तो प्रोपेगेशन आपको क्या करना है दोस्तों इसमें, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये जानते होंगे कि ये जो प्लांट होता है सीड्स के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से लगता है, या फिर कटिंग्स के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से लगता है। इसके दो ही मेथड होते हैं दोस्तों, या तो आप इसे कटिंग्स के लगाइए थ्रू, या फिर आप सीड्स के थ्रू, या फिर आप इसे डायरेक्टली नर्सरी से भी परचेज कर सकते हैं अगर आप इसका प्रोपेगेशन नहीं करना चाहते, तो आप इसलिए वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बट आप इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे अब आप कटिंग लगाना चाह रहे हैं ना, तो कटिंग आपको कब लगानी है, इसकी रेनी सीजन पे लगानी है। ये देख रहे हैं, ये मेरा खुद का ही कटिंग से लगाया हुआ, कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है। तो आप इसे रेनी सीजन के टाइम अगर ग्रो करेंगे, तो आपका प्लांट दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से 100% आपको रिजल्ट देगा, यानी कि वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाएगा। तो आप उसे रेनी सीजन के टाइम पे लगाएंगे कटिंग्स, तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगी। और इसका सेकेंड मेथड है दोस्तों सीड्स के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है कि इसके सीड्स कैसे दिखते हैं। चलिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं कि इसके सीड्स कैसे दिखते हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ये ऐसे इसके सीड्स दिखते हैं, आप देख पा रहे होंगे छोटे से इसके जो सीड्स होते हैं बिल्कुल ऐसे दिखते हैं, ब्लैक कलर के छोटे छोटे से। तो आप इससे भी इसे ग्रो कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी तरीके से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। तो आपको इसके ग्रो करने का सबसे अच्छा टाइम होता है दोस्तों जब फरवरी का एंड चलता रहता है, या फिर मार्च के टाइम में भी आप इसे अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी से ये ग्रो हो जाता है और अच्छा आपका एक प्लांट तैयार हो जाता है। तो आप इसे दो मेथड से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी यही वीडियोस थी आप लोगों के साथ अपराजिता प्लांट्स केयर के ऊपर। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। कई बार क्या होता है, किसी लोगों को ज़रूरत होती है, उनको पता नहीं रहता है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे गार्डनिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। सो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको एक अदर वीडियोज़ पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय।